गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक था वो था राजस्थान से संबंधित खनिज संसाधन का। देखिए, खनिज संसाधन में हम बात कर रहे थे जिप्सम से संबंधित। दो नंबर पहले हमने बात की थी अभ्रक के बारे में, फिर हम बात कर रहे थे जिप्सम के बारे में। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो जिप्सम क्या है, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लगभग हमने बात की थी जिप्सम का जो उत्पादन है वो लगभग 94% के आसपास है पाया जाता है। फिर हमने इसके उपयोग की बात की थी। उपयोग के अंतर्गत देखा था हमने कि जिस जिप्सम का जो उपयोग है वो उपयोग एक तो हमने जो देखा था कि POP के लिए, फिर हमने देखा था रासायनिक उर्वरक के लिए, रंग रोगन के लिए, सल्फर का तेजाब बनाने के लिए, अमोनिया सल्फेट के लिए, ये। लेकिन अब उसके बाद में हमने बात की उत्पादक क्षेत्र के बारे में। बीकानेर नागौर क्षेत्र की हमने बात की थी, दो जिलों की बात की थी, लेकिन पर्टिकुलर जो उप क्षेत्र हैं उनके हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं जो उपयोगी क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे नागौर क्षेत्र की। पहला जो आता है नागौर क्षेत्र, नागौर क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, जिप्सम के जो भंडार हैं वो नागौर क्षेत्र के अंतर्गत, पूरे देश की बात करेंगे तो दो तिहाई भाग पूरे देश का, हम क्या कहते हैं, दो तिहाई जो भंडार हैं देश का, दो तिहाई भंडार कहाँ पाया जाता है, नागौर के क्षेत्र में। ये अकूत भंडार है, वह असर्वेक्षित भंडार है। एक अनुमान के अनुसार है, कोई सर्वे नहीं किया गया है, एक अनुमान के अनुसार है कि नागौर के क्षेत्र में लगभग देश का दो तिहाई भंडार पाया जाता है जिप्सम का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भूगोल वेताओं के, जो भू तत्व वेता है, उनके द्वारा क्या किया गया है, एक अनुमान प्राप्त हुआ है कि नागौर के क्षेत्र में 95 करोड़ टन क्या पाए जाते हैं जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। 95 करोड़ टन का एक अनुमान है कि नागौर के क्षेत्र में जिप्सम का भंडार है। अब नागौर जिले में क्या है, जिप्सम की जो परतें हैं, जिप्सम की परतों के रूप में जिप्सम स्पष्ट होता है, तो जो जिप्सम की परतें हैं वो परतें क्या हैं, जमीन से 125 मीटर की गहराई से प्राप्त हो जाती है। कहाँ पर, नागौर के क्षेत्र में। 125 मीटर की खुदाई करने पर क्या है, हमें किस खनिज की अधिकता स्पष्ट होती है, जिप्सम की अधिकता स्पष्ट होती है। और यहाँ नागौर के क्षेत्र में प्रमुख खाने हैं जिप्सम की, खाने पाई जाती हैं नागौर के क्षेत्र में, तो वो कौन सी हैं, गोटन मांगलोद, दूसरी है धकोरिया, तीसरी है भदावासी। ये तीन प्रमुख जिप्सम की खाने पाई जाती हैं किस क्षेत्र में, नागौर के क्षेत्र में। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि नागौर के जो उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, ऐसे कंपटीशन में भी आ जाता है, तीन क्षेत्र आपको मिलेंगे, गोटन, धकोरिया और भदावासी। एक क्षेत्र आपको अन्य मिल जाता है, चाहे तो वो अभ्रक से संबंधित हो, जैसे हमने बात की थी
भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तो धकोरिया, भदावासी, गोटन मांगलोद और नाथ की नेरी, निम्न में से जो भिन्न है उसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? नाथ की नेरी, क्योंकि वो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार के कंपटीशन में भी आ जाते हैं, हमें सब्जेक्टिव रूप में देखना है। तो ये मुख्यतः हमने 3-4 पॉइंटों की बात की है, इसको हम पंक्ति वाइज उसको समाहित कर कर लिख सकते हैं। ठीक, दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र है बीकानेर चूरू का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जिप्सम की अधिकता है। बीकानेर चूरू के अंतर्गत क्या है? अगर हम बात करेंगे बीकानेर चूरू के क्षेत्र के अंतर्गत, तो देश की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ से कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है? 17% देश का, भारत का कुल जो उत्पादन है उसके उत्पादन में 17% जो जिप्सम प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? बीकानेर चूरू में। राजस्थान की दृष्टि से बात करते हैं, राजस्थान का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादन होता है? 19% जिप्सम, कुल जिप्सम के उत्पादन में 19% कहाँ से प्राप्त होता है? बीकानेर चूरू के क्षेत्र में प्राप्त होता है। अब देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो जिप्सम प्राप्त होता है वो किस क्षेत्र में होता है? ये देखिए, बीकानेर और बठिंडा जो रेलवे ट्रैक है, रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग के समीप एक क्षेत्र है वो क्षेत्र है जामसर। जामसर क्षेत्र के अंतर्गत क्या पाया जाता है? जिप्सम की अधिकता पाई जाती है। और यहां से जिप्सम कहां जाता है? सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाना है। इस सिंदरी उर्वरक रासायनिक उर्वरक कारखाने में जो जिप्सम जाता है वो कहाँ से जाता है? बीकानेर चूरू का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में निकला हुआ जिप्सम जो जामसर क्षेत्र से निकलता है वहाँ से इस कारखाने में जाता है। और यहाँ पर जो जिप्सम की परतें हैं, जिप्सम की परत जमीन के लगभग 11 मीटर की गहराई में क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में जामसर के अलावा दूसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है लूणकर्णसर क्षेत्र में भी क्या है? जिप्सम की मात्रा पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे चूरू जिले की। चूरू जिले में एक क्षेत्र आता है तारानगर। तारानगर क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? जिप्सम की जो परत है वो लगभग 1 मीटर मोटी परत पाई जाती है जिप्सम की। जिप्सम की जो मोटी परत है, 1 मीटर मोटी परत है, वो कहाँ पाई जाती है? तारानगर के क्षेत्र में। तो दो प्रमुख क्षेत्र देखे हमने, नागौर का क्षेत्र और बीकानेर व चूरू का क्षेत्र हमने देख लिया। अब तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, जोधपुर का क्षेत्र है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है, पाली का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की हम बात करते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इन क्षेत्रों में हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में जिप्सम का जमाव कैसा है। तो देखिए, इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो जो जिप्सम का जमाव है वो बिखरा हुआ स्वरूप पाया जाता है जिप्सम का, एक जगह संगठित नहीं है। तो क्या है? बिखरा स्वरूप है। इसके कारण क्या होगा?
उत्पादन कैसा रहेगा? उत्पादन कम रहता है। उत्पादन कैसा पाया जाता है? कम उत्पादन पाया जाता है। वर्तमान में क्या है, जैसलमेर जिले के कुछ क्षेत्र है जहाँ से जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं वर्तमान में। वहीं हम बात करेंगे जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले के अंतर्गत एक प्रसिद्ध क्षेत्र है फलोदी, और फलोदी में एक क्षेत्र है फालसुंड। फालसुंड क्षेत्र फलोदी के अंतर्गत है जोधपुर जिले में। यहाँ से जिप्सम के जमाव स्पष्ट हुए हैं, यहाँ से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाड़मेर क्षेत्र की। तो बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं श्योकर, कुरला, पीर की ढाणी। ये क्षेत्र कहां पर है? बाड़मेर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं पाली जिले की। पाली जिले का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है खुटानी। खुटानी जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये हमने इसके अंतर्गत जो उप क्षेत्र हैं उन उप क्षेत्रों की बात कर ली है जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से हमने तीन क्षेत्रों की बात की है। ठीक है, ये प्रमुखतः जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र थे जिनकी हमने बात कर ली है। अब देखिए उत्पादन की बात करते हैं हम कि भी जिप्सम का जो उत्पादन है वो प्राचीन समय में कितना था और वर्तमान में समय के साथ में क्या परिवर्तन हुआ है इसके अंतर्गत, वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए सन 1972 की बात करते हैं, राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन, 1972 की बात करते हैं तो राजस्थान में जिप्सम का जो उत्पादन था वो लगभग था 984,000 टन। क्या था? 984,000 टन था। लेकिन वर्तमान में निरंतर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। 2008 तक की बात करते हैं, 8-9 तक की वर्तमान दृष्टि से जिप्सम का जो उत्पादन है वो लगभग 40,142,000 टन क्या है? जिप्सम का उत्पादन। तो यहाँ जिप्सम का उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन इसके बाद की बात करेंगे तो इसके बाद उत्पादन में क्या आ गई? बहुत से अन्य कारण हैं जिसके कारण क्या है, उत्पादन में गिरावट आ गई। और ये गिरावट क्या होती है, किस कारणों से आती है? हो सकता है भंडारों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही हो सकता है मात्रा स्थिति की स्पष्ट नहीं हो रही हो, प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इस खनिज की मांग से संबंधित हो सकती है, तकनीकी स्तर से हो सकती है, वहाँ के श्रमिकों से हो सकती है। तो ये जो कारक हमने बताए हैं ये खनिजों का जो खनन कार्य है उस खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद में उत्पादन में क्या आ गई? गिरावट आ गई। 2013-14 की बात करते हैं तो जो उत्पादन हुआ वो लगभग क्या हो गया? गिरावट दर्ज हुई है। इसके आसपास क्या है? लगभग हम बात करते हैं 3,087 टन के आसपास इसका उत्पादन स्पष्ट हुआ है। तो ये हमने जिप्सम से संबंधित देखा है। ठीक है, अब देखिए एक खनिज और आता है अधात्विक खनिजों में रॉक फॉस्फेट, उसकी भी हम बात करेंगे।
तीसरा है रॉक फॉस्फेट। देखिए रॉक फॉस्फेट क्या है, बहुत उपयोगी खनिज माना जाता है। और बहुत उपयोगी किस दृष्टि से, रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से क्या माना जाता है, बहुत उपयोगी खनिज माना जाता है रॉक फॉस्फेट। तो इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग से स्पष्ट हो रहा है कि रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से, मतलब रासायनिक खाद बनाने में रॉक फॉस्फेट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फिर हम बात करते हैं कि रासायनिक खादान उद्योगों की जो अवस्थिति है वो किस पर, उद्योगों की अवस्थिति, रासायनिक उद्योगों की अवस्थिति किस पर निर्धारित होती है, अवस्थिति ये जो स्थित होते हैं रासायनिक उद्योग किस पर डिपेंड करते हैं, यहाँ के खनिजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे जिसमें प्रमुख कौन सा है, रॉक फॉस्फेट है। ठीक है, इसमें रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे, उत्पादन की बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रॉक फॉस्फेट का उत्पादन नहीं किया जाता था, लेकिन उससे पहले क्या करते थे, हम आयात करते थे। जब हम उत्पादन नहीं कर रहे थे तो हम रॉक फॉस्फेट का क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में खनिजों का उत्पादन ज़्यादा हो गया, सर्वेक्षण कार्य ज़्यादा हुए, तो सर्वेक्षण कार्यों के द्वारा रॉक फॉस्फेट के जो भंडार हैं उन भंडारों का हमें निरंतर पता चलता रहा है, जिसके कारण हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। देखिए हमने पीछे बात की थी जिप्सम की, अब बात कर रहे हैं रॉक फॉस्फेट की। और एक होता है आपका चूना पत्थर। अब देखिए चूने पत्थर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, याद रखना अम्लीय मृदा की समस्या का निराकरण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का, याद रखना। लवणीय मृदा के निराकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का। क्षारीय मृदा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखना चूना पत्थर का। लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट का, और जिप्सम की समस्या को कम करने के लिए क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये खनिज क्या है, ये खनिज जो मृदा से संबंधित जो उपजाऊपन की बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रासायनिक खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है इसके उत्पादक क्षेत्रों, उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।